जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन, एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको जाके आप सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह बाकायदा सेशन का आगाज हम दुरूद शरीफ पढ़ के करेंगे। आप लोग मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा लहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बात करेंगे अपने राशन को हमने सस्ता करना है। दूध का रेट तो जी है कोई नहीं, अभी से सितंबर में ये हालात हैं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होने वाला है, ये एक नाइटमेयर के तौर पे हमारे सामने आ रहा है, एक डरावना ख्वाब है। तो हमें देखना है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी खुराक की जो कॉस्ट है उसको कम कर लिया जाए। तो इस वक्त टाइम है लूसन की काश्त का, अक्टूबर में लूसन की काश्त मुकम्मल कर ली जाती है, तो आपने लूसन की काश्त मुकम्मल करनी है। मैं आज जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आया हूँ, ये ना तो लूसन की हे के हवाले से है, ना ही ये लूसन के साइलेज के हवाले से है, बल्कि मैं जो आज प्रोग्राम आपके लिए लेकर आया हूँ ये लूसन की हेलेज के हवाले से है। अब आप लोग कहेंगे ये हेलेज क्या होता है, याद रखिएगा कि जो साइलेज है उसमें जो पानी की मकदार है वो 70% के करीब होती है, जो हे आप बनाते हो उसमें पानी की मकदार तकरीबन 15% होती है, लेकिन जो हेलेज बनाया जाता है इसमें पानी की मकदार 40 से 60% होती है, या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हो कि इसका ड्राई मैटर 40 से 60% के बीच में होता है। इसको बनाना कैसे है, इसका फ़ायदा क्या है, आपको कितने एकड़ चाहिए और कितने जानवर को कितनी खुराक दी जा सकती है, इस पूरे इंफॉर्मेशन के ऊपर आज का जो हमारा सेशन है ये बेस करता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि ये एक इंतहाई सस्ता सोर्स है प्रोटीन का, मतलब अगर आप बात करें इस वक्त वंडा आपका बेसिक सोर्स है प्रोटीन का। वंडा जो इस वक्त बनाया जा रहा है, लोग बना रहे हैं, जिसमें कनोला भी है, रेप सीड मील भी है, लोग सरसों की खल भी इस्तेमाल करते हैं, ग्लूटन भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक नॉर्मल सा वंडा जो है 100 रुपया केजी बनता है और वो आपको तकरीबन 19 से 20% प्रोटीन देता है। तो ये भी आपको 19 से 20% प्रोटीन देता है जो लूसन का हेलेज है, लेकिन ये उसके मुकाबले में सस्ता बनता है। तो ये इनएक्सपेंसिव सोर्स है प्रोटीन का, ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है, ये फास्फोरस का अच्छा सोर्स है, ये राशन की खुराक को कम करता है, इसका ड्राई मैटर 40 से 60% है, इसका जो NDF है वो तकरीबन 40 से 42% है। तो अब इसको आपने जानवर को खिलाना कितना है, इसके हवाले से सुन लीजिए। आपने जानवर को जो दूध वाला जानवर है 10 से 15 किलो देना है, जो गाय या भैंस दूध देती है उसको 10 से 15 किलो देंगे। वो अच्छी जो ब्रीडिंग के काबिल हो चुकी है उसको आप 5 से 10 किलो देंगे। वो बच्चे जो 6 माह से ऊपर जा चुके हैं उनको तकरीबन 5 से 10 किलो देंगे। आज छोटी सी इंफॉर्मेशन हम आपको शीट गोट के हवाले से भी दे देते हैं, वो बकरियां या वो भेड़ें जो दूध दे रही हैं उनको आप तकरीबन ये 2 किलो पर डे के हिसाब से देंगे। अगर आप छतरों को देना चाहते हैं या बकरों को देना चाहते हैं तो दिन में 3.5 किलो के हिसाब से देंगे, और वो बच्चे जो दूध अपनी माँ का छोड़ चुके हैं, बकरी का बच्चा दूध छोड़ चुका है या भेड़ का बच्चा दूध छोड़ चुका है उसको एक दिन में 1 किलो के हिसाब से देंगे। अब आपने इसको तैयार कैसे करना है, सबसे पहले तो उसकी स्टेज है कि किस स्टेज पे आपने इसको काटना है। इसको अर्ली ब्लूम स्टेज पे काटना है, मतलब कि जब 1.5 फुट का पौधा हो जाए उसके ऊपर हल्की हल्की डोडी रूनमा होनी शुरू हो जाए तो तब इसकी बेस्ट स्टेज है कि आप इसको काट लें। लूसन का पहला कट तकरीबन 2.5 महीने पे और अगले कट जो है 1-1 माह पे आने शुरू हो जाते हैं। इस हिसाब से लूसन जो है आपको बड़े जबरदस्त और आसान कट 5 बड़े आराम से दे देता है। तो अगर आपके पास 25 जानवर मौजूद हैं तो 25 जानवरों के लिए आपको 2 एकड़ का लूसन चाहिए। अगर आपने पूरे साल में उसको इस्तेमाल करना है तो 25 जानवरों के लिए 2 एकड़ का लूसन जो है आपको चाहिए, ठीक है जी। और 1 एकड़ जो है उससे आपने 5 कट लेने हैं, वैसे आप 7 कट भी ले सकते हो लेकिन मैं आपके लिए आसान किए देता हूं कि आपने 5 कट जो है वो आपने 1 एकड़ से लेने हैं। एक तो बात ये होगी। अगली बात आई, आपने इसको काट लिया, काटने के बाद इसको अंदर ले आए, फार्म के अंदर ले आए किसी साफ सुथरी जगह पे, आप ये सारा का सारा जो आप काट कर लेकर आए हो इसको किसी जगह पे फैला दें। फैलाने के बाद अब आप इसको 3-5 दिन खुश्क करेंगे। पहले होता ये था कि साइलेज बनाने के अमल में भी 1 से 2 दिन खुश्क किया जाता था, लेकिन अमूमी तौर पे साइलेज बनाने के अमल में फार्मर से प्रेसिंग के दौरान पानी कंट्रोल नहीं होता था,
पानी की मकदार ज्यादा होने की वजह से लूसन के साइलेज की क्वालिटी में फर्क आ जाता था, फार्मर को मसाइल का सामना रहता था। जब हम हे बनाते थे तो फार्मर के लिए सर्दी के मौसम में इतना ज्यादा खुश्क करना मुमकिन नहीं रहता था, और दूसरा जब मुकम्मल खुश्क हो भी जाता था तो पत्तों का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी प्रोटीन की मकदार जो है वो कम हो जाती थी। तीसरे नंबर पर हेले जो है, इसको आपने ड्राई करना है 5 से 6 दिन ड्राई करें, 4 से 5 दिन ड्राई करें, या 2 से 3 दिन ड्राई करें। कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 40 से 50% रह गया, इसका तरीका मैं आपसे शेयर कर दूंगा। लेकिन पहले आप इसको काट के अंदर लेकर आएंगे, इसके बाद आप इसको फैला देंगे। रोजाना की बुनियाद पे 1 से 2 बंदे इसको ऊपर नीचे खिलार खलूर देंगे, ताकि अच्छी तरह जो है हवा भी फिर सके, अच्छी तरह धूप भी लग सके, और ये जल्दी जो है खुश होने का अमल मुकम्मल हो जाए। जब आपको अंदाजा हो 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद तो इसका 50% पानी उड़ गया, तो इसको कुतर लें। कुतरने के बाद अब एक टेस्ट बताने जा रहा हूं, ये टेस्ट आपने इस्तेमाल करना है। इस टेस्ट का मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो पौधा है, जो फॉडर है, उसमें 50% ड्राई मैटर रह गया। इसका तरीका मैं आपको शेयर कर देता हूं, नीचे दिखा दें जरा। इसका आसान तरीका है माइक्रोवेव ओवन। ये अब आजकल तकरीबन हर जगह पे मौजूद है माइक्रोवेव ओवन, ठीक है जी। अब आपने करना ये है कि आपने एक प्लेट लेनी है, ठीक है जी, प्लेट का वजन कर लेना है। मैं अब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि प्लेट का वजन है 100 ग्राम, ठीक है जी। इसके अंदर आपने 100 ग्राम जो आपका कुतरा है, जो चारा है जिसको आपने खुश्क किया, वो डाल लिया, तो ये टोटल वजन हो गया 200 ग्राम। ये मैं मिसाल नंबर एक दे रहा हूं, मिसाल नंबर एक, ठीक है जी। याद रखिएगा ये प्लेट है, इसके अंदर आपने चारा इस तरह डालना है कि ये सेंटर वाली जगह छोड़ देनी है, और ऐसे आपने इर्द गिर्द प्लेट में आपने ये चारा डाल देना है, ऐसे करके सेंटर में जगह थोड़ी सी खाली छोड़ देनी है। ये कैमरामैन काइंडली इधर ध्यान करें, ये जो है ना, ये सेंटर वाली जगह छोड़ देनी है और इर्द गिर्द आपने जो है चारा डाल देना है। अब मिसाल के तौर पर आपने 100 ग्राम की प्लेट ली, उसमें 100 ग्राम चारा डाला, आपका टोटल वजन हो गया 200 ग्राम। आपने इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में आपने इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप इसको निकालेंगे, इसका वजन करेंगे। मिसाल के तौर पे 2 मिनट के बाद गर्म किया, आपने निकाल के वजन किया, तो इसका वजन रह गया जनाब अली आपका 120 ग्राम, मिसाल दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ग्राम तो प्लेट का वजन था, और ये जो 100 ग्राम था ये 20 ग्राम रह गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 80 ग्राम चारा जो था उसका पानी उड़ गया। ये आपको बताता है कि मॉइस्चर है 80% जो उड़ गया, और पीछे ड्राई मैटर है 20%। आपको मैंने बताया कि आपको कितना चाहिए, आपको 40 से 60% ड्राई मैटर चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपको फसल को मजीद जो है धूप लगवानी है। अच्छा, अब मिसाल नंबर 2 ले लें, ये आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूं। मिसाल नंबर 2 ये है कि आपने इसको गर्म किया 2 मिनट के लिए, उसके बाद निकाला, तो आप जब निकाल के वजन करते हो तो वजन आज का आता है जी 160 ग्राम, ठीक है जी। इसका मतलब सॉरी 160 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ 100 ग्राम प्लेट का वजन, और ये 100 ग्राम जो है ड्राई होकर 60 ग्राम रह गया, 40% पानी इसका उड़ गया। याद रखिएगा कि जब भी आपने इसको प्लेट को माइक्रोवेव ओवन में रख के ड्राई करना है, तो अब आपने 2 मिनट के लिए इसको हीट लगवाई, उसके बाद वजन करें, उसके बाद फिर माइक्रोवेव में रखें, फिर वजन करें, फिर माइक्रोवेव में रखें, फिर वजन करें। ये प्रोसेस आप उतनी देर तक रिपीट करते जाएंगे जब तक आपका जो फाइनल वेट आ रहा है उसके अंदर खासा फर्क ना आए। मिसाल के तौर पे यहां पे मैंने वजन किया 160 ग्राम आ गया, फिर मैंने दोबारा हीट लगवाई तो ये 160 ग्राम कम होके 150 ग्राम रह गया। इसका मतलब ये हुआ ये ऐसे हो गया, फिर मैंने हीट लगवाई तो ये 150 ग्राम जो था 149 ग्राम रह गया। जब आपका फर्क इतना थोड़ा रह जाए तो समझे कि आपका काम कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपका 51% पानी था, मॉइस्चर था, जो उड़ गया, और 49% जो है ये आपका ड्राई मैटर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी क्रॉप है वो अपने राइट ड्राई मैटर पे पहुंच चुकी है। अब आप इसको क्या करेंगे, कुतरे को आप जैसे साइलेज को डंप करते हो वैसे ही इस कुतरे को डंप करोगे। नीचे शाफर बिछाएंगे, उसके ऊपर कुतरा फेंकेंगे, कुतरा फेंकने के बाद जैसे ही 1 फुट की लेयर बिछ जाएगी इसके ऊपर ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर कुतरा फेंकेंगे, फिर ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर कुतरा फेंकेंगे, फिर ट्रैक्टर चलाएंगे, और धड़ बनाएंगे ऐसी, या नीचे करें ये जमीन के ऊपर ऐसी धड़ बनाएंगे ऐसी, ठीक है।
जो तूड़ी की दड़े होती है ना, आपने अक्सर अपने देखा होगा गांव में तूड़ी की दड़े लोग ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे होती है। आपने जब भी साइलेज की दड़ बनानी है तो आपने ऐसी नहीं बनानी, उसकी नोक नहीं होनी चाहिए, साइलेज की दड़ ऐसी होनी चाहिए ताकि ट्रैक्टर आराम से चढ़े और दूसरी तरफ आराम से उतर जाए, प्रेसिंग इसकी अच्छी हो जाएगी। तो ये आपने धड़ बना के इसके ऊपर शापर रखे, तरपाल डाल के और मट्टी डाल के आपने इसको अच्छे तौर पे पैक कर देना है। तो ये आपका हेलेज तैयार हो गया। इसको डालना कितना है ये मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह आप देखेंगे जब आप अपनी डाइट को इस पर शिफ्ट कर देंगे, मकई का साइलेज इस्तेमाल करेंगे, लूसन का हेलेज इस्तेमाल करेंगे, तो आपके वनडे की जो कॉस्ट है खातर खा कम हो जाएगी, हीफर रेयरिंग कॉस्ट जो है खातर खा कम हो जाएगी और आप सुकून के सांस में आ जाएंगे। और पूरे साल के लिए 25 जानवरों के लिए 2 एकड़, आपको 5 कट लेने हैं तो 2 एकड़ से आपको 10 कट मिल जाएंगे, ये आपके 25 जानवरों के लिए काफ़ी होगा। आज ही जनाब अपने लंगोटी कस लें और फौरी तौर पे अगर ज़मीन नहीं है ठेके पे ले लें, अपनी है तो बहुत अच्छी बात है, लूसन लगाएं। इस वक्त मार्केट में जो लूसन की हेलेज है वो 48 रुपये किलो मिल रही है, लेकिन बेहतर है आप अपनी बनाओगे तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी और फिर इंशाल्लाह डेयरी में आपको मज़ा आने लग जाएगा। अब आपको अल्टरनेट प्रोटीन सोर्सेज पे जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे तो फिर रौन रपा तो है ही है। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।